ओके सो बजट में जो प्रोविजंस कैपिटल मार्केट के रिलेशन में है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बजट हैज प्रपोज्ड टू मेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मोर यूजर फ्रेंडली। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक तरह के लोन होते हैं जो कॉर्पोरेट्स लेते हैं लोगों से, ठीक है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे तो विल टॉक अबाउट दैट, अभी सिर्फ हम लोग बजट के प्रोविजंस देख रहे हैं। इट ऑल्सो सेड रैशनलाइजेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इज रिक्वायर्ड। रैशनलाइजेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इज रिक्वायर्ड। अलाउ इट हैज प्रपोज्ड टू अलाउ FIIs एंड FPIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज ऑफ NBFCs, डेट सिक्योरिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देन SEBI has been asked to consider the threshold of minimum shareholding in a listed company from 25% to 35%. ठीक है, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। ओके सो सेबी के बारे में ना, ओके सेबी वुड कंसिडर, सेबी हैज बीन आस्क्ड टू कंसिडर द थ्रेशोल्ड ऑफ मिनिमम शेयर होल्डिंग इन लिस्टेड कंपनी फ्रॉम 25% टू 35%। ठीक है, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की गई है बजट में। व्हाट इट विल बी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल बी एन इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म, एन इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ सेबी, अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ सेबी। इट विल बी लिस्टिंग सोशल एंटरप्राइजेस एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस कंपनीज कैन रेज कैपिटल थ्रू दिस स्टॉक एक्सचेंज थ्रू मीडियम्स लाइक इक्विटी, डेट एंड बाय सेलिंग यूनिट्स लाइक इट इज डन इन म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी से ये कैपिटल जमा कर सकते हैं, या कर्जा लेने से, डेट से, या फिर बाय सेलिंग यूनिट्स एज आर सोल्ड इन म्यूचुअल फंड्स। देर आर सर्टन मेजर्स जो लिए गए हैं टू मेक FDIs कम इन टू इंडिया, टू मेक इंडिया अ मोर फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर FDIs। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेक्टर्स लाइक एविएशन, मीडिया एंड इंश्योरेंस वुड बी ओपन फर्दर फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज विल गेट 100%, कैन नाउ गेट 100% FDI. Local sourcing norms for FDI in single brand retail will be eased. What are local sourcing norms? कि अगर कोई बाहर का कंपनी जैसे वॉलमार्ट, इट इज कमिंग टू इंडिया और वॉलमार्ट इंडिया में स्टोर खोल रहा है,
लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज के गुड्स आप इंडिया से ही खरीदोगे, दैट इज लोकल सोर्सिंग. ठीक है, सो दैट हैव बीन ईज्ड. ओके, सो दैट इज ऑल.